आज हम बात करेंगे द रेप ऑफ द लॉक पोएम की, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। ये रियल स्टोरी पे बेस है। अलेक्जेंडर पोप ने ये पोएम जो है वो अपने फ्रेंड जॉन कैरल के कहने पे लिखी थी। जॉन कैरल ने अलेक्जेंडर पोप से ये बोला था कि कुछ ऐसा लिखो जिससे कि दो फैमिलीज जो हैं वो मिल जाएं, जिनके बीच में लड़ाई हो चुकी है। लॉर्ड पीटर नाम का एक जो इंसान है वो एराबेला फर्मर नाम की लेडी की जो बाल होते हैं उन्हें काट देता है, जिस वजह से उन लोगों के बीच में, उनकी फैमिलीज के बीच में लड़ाई हो जाती है। उसी को सुलझाने के लिए जो अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड हैं जॉन कैरल, वो उन्हें बोलते हैं कि ऐसा कुछ लिखें जिससे कि इन दोनों फैमिलीज के बीच की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहला कैरेक्टर जो है इस स्टोरी का वो है बेलेंडा, जो कि रियल में एराबेला फर्मर है, जो कि उनका कैरेक्टर है जिनके की बाल काटे गए थे, जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। और लॉर्ड पीटर ने जिनके बाल काटे थे वही है एराबेला फर्मर, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने इस पोयम में उसका नाम जो है वो बेलेंडर रखा हुआ है। सेकंड कैरेक्टर जो है वो है द बैरन, जो कि लॉर्ड पीटर के कैरेक्टर को यहाँ पे निभा रहे हैं। लॉर्ड पीटर रियल में जो स्टोरी है उसमें थे, लेकिन इसमें, इस कहानी में जो है वो लॉर्ड पीटर का कैरेक्टर जो है वो द बैरन निभा रहे हैं। लॉर्ड पीटर ने ही एराबेला की लट काटी थी। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है कैरल, जो कि जॉन कैरल, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ अलेक्जेंडर पोप का फ्रेंड है, जिसके कहने पे ही ये दोनों फैमिलीज को मिलाने के लिए अलेक्जेंडर पोप को बोलता है कि कुछ ऐसा लिखें, तो इसमें उनका नाम कैरल ही रखा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है शॉक, जो कि बेलिंडा का एक पेट डॉग है। अगला जो कैरेक्टर है वो है एरल, जो कि एक सिल्फ है, एक स्पिरिट है वो, इसमें बेलिंडा की गार्जियन है वो। इस स्टोरी में एरियल के अलावा और भी बहुत सारे सिल्फ्स हैं, अम्ब्रियल, ब्रिलेंटी, मोमेंटिला, क्रिस्पिसा। अगला कैरेक्टर जो है वो है क्लैरिसा, जो कि एक लेडी है जिसने बैरन को सीजर दी थी बेलिंडा के बाल काटने के लिए। अगला कैरेक्टर है थेलेस्ट्रिस, जो कि बेलेंडा की फ्रेंड है। अगला कैरेक्टर है सर प्यूम, जो कि थेलेस्ट्रिक का लवर है और बेलेंडा का ब्रदर है। ये एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि बेलेंडा के बाल कटने तक की ही स्टोरी है, लेकिन इसे एक मॉक एपिक की तरह दिखाया गया है। बेलेंडा जो होती है वो सोकर काफ़ी लेट उठती है, तो उसका जो एक सेल्फ है, उनमें से एक जो उसके गार्जियन है इसमें, ये बेलिंडा के पास आके बेलिंडा को वार्निंग देती है कि आज जो है इसे चौकन्ना रहना चाहिए। बेलिंडा को वो वार्निंग देती है कि आज तुम्हें चौकन्ना रहना है। ये सब एरियल जो होता है वो उसे उसके सपने में बोलता है ऐसा कि आज बेलिंडा के साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए वो सपने में उसे वार्निंग देती है। अब बेलिंडा जो है वो इस बात को ज़्यादा हल्के में ले लेती है और अपने दिन की शुरुआत करती है। वो अपने बालों को संवारती है, अपने बालों पे उसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है। उसके बाल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। बेलिंडा के बालों की जो लटें होती हैं उसको यहाँ पे लॉक बोला गया है। अब बेलिंडा सच संवर के जब थेम्स रिवर की से ट्रेवल करते हुए वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस पहुँचती है, जो कि लंदन के बाहर एक रॉयल रेजिडेंस है। वहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है। बेलिंडा वहाँ पहुँचती है पार्टी में, और उन्हीं पार्टी के लोगों में से ही एक बैरन जो होता है, उसे बेलिंडा पहले कभी रिजेक्ट कर चुकी थी। वो उस पार्टी में बेलिंडा के लॉक, यानी कि उसके जो बालों की जो लटें हैं, उसकी तारीफ करता है। अब उसके दिमाग में, बैरन के दिमाग में एक बात आती है कि आज वो बेलिंडा की एक लट काट लेगा। इधर एरियल जो गार्जियन है उसको ये फिक्र लगी रहती है कि आज ना जाने बेलिंडा के साथ क्या होने वाला है। ये उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसे ये पता है कि कुछ बुरा होने वाला है। एरियल जो है स्पिरिट, वो बाकी स्पिरिट्स को अपने पास बुला के ये बोलती है कि जो बेलिंडा है उसका आज ध्यान रखना, उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है।
अब पार्टी में जो लोग थे वो कार्ड्स खेलने लग जाते हैं, और बैरन जो होता है वो बेलिंडा की एक लट काटने का ट्राई करता है, लेकिन जो स्पिरिट्स होती हैं, गार्जियन जो स्पिरिट्स हैं सिल्फ, वो उसे बार बार रोक देती हैं ऐसा करने से। लेकिन काफ़ी टाइम से ट्राई करने के बाद लास्ट में जो बैरन होता है वो बेलिंडा की एक लट काट लेता है। बेलिंडा जो होती है वो चिढ़ जाती है, और बैरन जो है वो खुशी का जश्न मनाता है, वो क्योंकि वो जीत जाता है जो उसने सोचा होता है। पार्टी के जो लोग हैं वो बेलिंडा का साथ देते हैं, और बैरन से उसकी जो एक लट वो काट चुका है उससे मांगते हैं, लेकिन बैरन जो है वो मना कर देता है। इसीलिए उन लोगों की लड़ाई जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जो थैलेस्ट्रिस होती है बेलिंडा की फ्रेंड, वो सरप्ल्यूम यानी बेलिंडा के भाई को ये बोलती है कि तुम बैरन से उसकी बेलिंडा की लट जो वो काट चुका है उससे वापस ले लो। और जो क्लैरिसा होती है बेलिंडा की फ्रेंड, वो बेलिंडा को गुस्सा कम करने को कहती है, उसको बोलती है कि शांत रहे, लेकिन बेलिंडा जो होती है वो पार्टी में जितने भी लोग होते हैं उन सबके साथ मिलके लड़ाई शुरू कर देती है। इसी हाथापाई में जो उसकी कटी हुई लट होती है बैरन के पास, वो वहाँ से खो जाती है। और जो हमारा जो पोएट है जो अलेक्जेंडर पोप होते हैं, वो उसे सांत्वना देते हैं और बोलता है कि तुम्हारी जो लट है वो हेवन में चली गई है।